अक्षय कुमार की केसरी फिल्म का फेमस गाना तेरी मिट्टी में मिल जावा लोगों की जुबा में ऐसा चढ़ा कि आज तक नहीं उतरा। इस फिल्म के साथ कई लोगों को स्टार्डम मिली। बी प्राक के गाए इस गाने के गीतकार मनोज मुंतशिर की लाइफ में ये गीत टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मनोज काफी पहले से ही गीत, कविता, किताब लिखा करते थे, लेकिन इस गाने ने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। एक तरह से उनको एक सेलिब्रिटी के रूप में स्थापित कर दिया। ये तो बीते दिनों की बात हुई, लेकिन मनोज मुंतशिर अब एक बार फिर से चर्चा में है। कारण दूसरा है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कोई उन्हें सही बता रहा है तो कोई उनकी बातों को एक तरफा बताते हुए सुधार करने की सलाह दे रहा है। दरअसल मनोज मुंतशिर ने 24 अगस्त को अपने ट्विटर हैंडल पर आप किसके वंशज हैं टाइटल के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया। एक मिनट के इस वीडियो में मनोज ने कहा, पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की कई जमीनें लावारिस छोड़ रखी हैं। हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गणेश हटाकर ग से गधा लिख दिया गया। हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे गौरवान्वित किए गए डकैत के नाम पर रख दिए, और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। चित्तौड़गढ़ में 30,000 लोगों को जिहाद के नाम पर काटने वाला आदर्श राजा था। आगरे किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाले जिल्ले इलाही था। जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई। ये कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है। अपने हीरोज और विलेंस जात पात से ऊपर उठकर चुनिए, जो इस महान देश की परंपरा है। रावण कौन था? एक ब्राह्मण था। भगवान ब्रह्मा की डायरेक्ट ब्लड लाइन में जन्मा था, लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण की स्तुति करते हुए देखा है? ट्विटर पर मनोज मुंतशिर के इस वीडियो को काफी कड़ा रिएक्शन देखने को मिला। दरअसल बड़े तौर पर तो ये माना जा रहा है कि मनोज ने ये वीडियो डायरेक्टर कबीर खान के एक बयान पर जवाब देते हुए बनाया। दरअसल कुछ रोज पहले कबीर खान का एक बयान चर्चा में आया। उन्होंने एक इंटरव्यू में मुगलों को असली राष्ट्र निर्माता बताते हुए आज की फिल्मों में मुगलों को हत्यारा दिखाए जाने पर नाराजगी जताई थी। तो अब गीतकार मनोज शुक्ला यानी मनोज मुंतशिर वीडियो ट्वीट करते हुए मुगल सम्राटों की तुलना डकैतों से कर रहे हैं। मनोज के इस वीडियो को कई सेलिब्रिटीज ने काफी खराब बताते हुए इस पर रिएक्ट किया, तो वहीं कई लोगों ने इसे शेयर किया। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा से लेकर राइटर मयूर पुरी और डायरेक्टर नीरज घेवान समेत कई सेलेब्स ने साफ तौर पर इसे बेकार बताया। ऋचा ने कहा, शर्मसार करने वाला, बुरी कविता, देखने लायक नहीं है, अपना उपनाम भी हटा देना चाहिए, जिस चीज से घृणा हो उसे फायदा क्यों लेना। तो नीरज घेवान ने कहा, कट्टरता के साथ जातिवाद का समावेश। राइटर मयूर पुरी ने भी मनोज मुंतशिर की बात पर नाराजगी जाहिर की। वहीं फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री एक्टर मनोज जोशी मनोज मुंतशिर का साथ देते हुए दिखाई दिए। विवेक अग्निहोत्री ने मनोज का पक्ष लेते हुए कहा, मनोज मुंतशिर सार्वजनिक रूप से अपनी कविताओं में अपना नजरिया निडर होकर पेश करते हैं। आप नहीं जानते, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अचानक से बदल गए। अगर दूसरे और ट्विटर यूजर्स की बात करें तो एक खेमा मनोज मुंतशिर की बातों से बिल्कुल अलग दिखाई दिया। साफ तौर पर कहें तो उनकी बातों से नाराज हुआ और उनका विरोध भी किया, तो वहीं दूसरा खेमा उनके समर्थन में उतरा हुआ नजर आया।